सैर पुत्र, अपनी डॉली दादी को तू सच सच बताना। मेरे परम को धक्का इस करण ने मारा है ना जानबूझ के। भाई मैंने पता है लास्ट टाइम ना मेरी ट्रॉफी भी तो इसी शैतान ने तोड़ी थी, लेकिन तब तो इसको परम ने बचा लिया था। और देखा है ना इस करण ने आज परम के साथ क्या किया है। तू इसका साथ देगी ना तो देखना कल को तेरे साथ भी यही करना है। चल टेल योर डॉली दादी द ट्रूथ। सच्ची डॉली दादी, मैंने करण को धक्का दिया था। मतलब तू सच नहीं बोलेगी ना? फिर ठीक है सैर पुत्र, तेरी गलती है ना तो सजा भी तुझे ही भुगतनी पड़ेगी। चल बाहर जा और धूप में हाथ ऊपर करके खड़ी हो जा। पनिशमेंट बस। ओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सैर को सजा देने की? और तुसी कोई कचहरी के जज, बच्चों से गलतियां हो जाती है। OMR, आप ना हर बात में प्रधान मत बना करो। मुझे पता है गलती इसने की है तो सजा इसे ही मिलेगी, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ ये सब किया कराया एक करण का ही है। ओ, आपको तो सब पता है क्योंकि आप तो अंतर्यामी हो। मुझे पता है ये सब करण ने किया है। OMR सरपंच जी जस्ट शट अप। ओ तुसी शट अप। ओ आई एम सेइंग यू शट अप। इन्फेक्शन नहीं है, थोड़ा सा जख्म है, 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा। ये कुछ पेनकिलर्स लिख रही हूँ, तभी दीजिएगा जब दर्द होगा। थैंक यू। कितना फनी लग रहा हूँ मैं, बिना दांत वाला सरबाला। इस सरबाला कैसे बनूंगा? डोंट वरी उत्तर सिंह, ओके? सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। बिना दांत वाला सरबाला, बिना दांत वाला सरबाला कहेंगे। कोई ऐसा कुछ नहीं बोलेगा पुत्र जी, क्योंकि डॉक्टर आंटी शूट अटैक से आपके 3-4 दिन में नया दांत लगा देंगी, है ना डॉक्टर? हाँ जी, 3-4 दिन में आर्टिफिशियल टूथ ट्रांसप्लांट हो जाएगा। मुझे नहीं चाहिए आर्टिफिशियल दांत, मुझे मेरा असली दांत चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं। नहीं, 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 नहीं।
घर में किसी से भी गलती होती है तो मुझे ही डांट पड़ती है। मेरे बारे में कोई नहीं सोचता। ऐसा क्या किया है मैंने जो हरलीन बुआ और डॉली दादी इतना हेट करती है। मेरी शक्ल गंदी है, मेरी आवाज बुरी है, मेरे नाम में कोई खराबी है क्या? तो प्रॉब्लम क्या है मुझसे? अब तू भी उनकी तरह। तूने कहा ना ऊंचा ऐसे घर में तुझसे दूर से रहो तो अच्छा लगेगा, तेरे को खुशी होगी, तेरे को बोल बोला खुशी होगी। मैं अगर जाऊंगा तो मैं चला जाऊं। चल राणे पेनड्राइव निकाल। मैं कहाँ से निकालूं? तूने रखी थी ना जेब में। ओ हाँ। राणे नहीं है यार, लगता है भागने के चक्कर में कहीं गिर गुर गई। पिट्टू तेरा बेड़ा गर्क। जो तुम लोग ढूंढ रहे हो वो मेरे पास है। आखिर इस पेन ड्राइव में है क्या? कुछ नहीं होमी जी, अब पुराने गाने हैं। ओ जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या क्या करेंगे। ओ दिल टूटने का तो मेरे को पता नहीं, लेकिन हाँ तुम दोनों हराम खुरों की हड्डियां जरूर तोड़ देनी है मैंने। ओ बहुत टाइम से देख रही हूँ पेन ड्राइव करे जा रहे हो, आज मैं भी तो देखूं इस पेन ड्राइव में है क्या। चल लैपटॉप लेके आ। सुनिया नहीं लैपटॉप लेके आ। अले लगा इनु। ओ मम्मी जी ओ ब्याह वाला कार है, मतलब क्या करोगे पुराने गाने सुन के आप? ओ जल्दी चला, मैं भी सुना दिल टूट गया है। देखा मम्मी जी बस फोटो ही तो है और की। ओ ये वीडियो क्या है पताज, चला
जी का फोन, कहीं उन्हें कुछ पता तो नहीं चल गया। हेलो, सत श्री अकाल जवाई जी। मम्मी जी मैं बोल रही हूँ, सत श्री अकाल। वो जल्दी जल्दी मैं फोन अपना घर पे ही भूल गई थी। मम्मी जी वो आपके डेंटिस्ट थे ना? हाँ हाँ। ओ कौन? ओ मालिक जी, आप उनका नंबर भेज सकते हो प्लीज? एक्चुअली परम के दांत के लिए उनसे भी एडवाइस लेनी है। हाँ जरूर जरूर पुत्र। चोर चाचे, पेनड्राइव चुरा के ले आए, मैं करण नु वापस कर दूंगा। थैंक यू मम्मी जी। मम्मी जी के बिना ना कुछ काम नहीं चलता मेरा। शाम तक मिस्टर नेगी कुछ नाम बताने वाले हैं। मिस्टर नेगी? हाँ वो डिटेक्टिव। आई होप शाम तक आपके हमलावर का पता चल जाए। कितने गया? अभी तो यही थी। अच्छा, वो तो मेरे को भी पता इधर था, फिर किधर गया? परमुत्तर, इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। और वैसे भी करण ने जानबूझ के ये धक्का थोड़ा मारा था, वो तो करण को शहर का धक्का लगा, इसलिए आप परमवीर जी, आई नो आपको बड़ा दर्द हो रहा है, लेकिन सच्ची वीर जी मुझे भी बड़ा दुख हो रहा है। मेहर मम्मा ने सिखाया है सच कभी नहीं छुपाना चाहिए, अगर गलती हो जाए तो उसे माफी मांगकर बता देना चाहिए। इसीलिए आज मैं कन्फेस करूंगा कि आपको धक्का सहने नहीं बल्कि मैंने मारा था। ये देखो पीफा पैनवीर जी, आपका सेरम मैंने ठीक कर दिया। करण कह रहा था कि उसका सेहरा खो गया, वरना वो आपको अपना सेहरा दे देता। I'm sorry परमवीर जी, मुझे माफ कर दो ना प्लीज। परमपुत्र, माफी देने वाला सबसे बड़ा होता है। आप अपने छोटे भैया को माफ करोगे ना? ओए मार मैर ना, ऐ की गल हुई, पहले तो मेरे परम को इसने धक्का मारा, उस बेचारे का दांत टूट गया, अब देख कैसे आ गया कान पकड़ के सॉरी मांगने। ना कल को इसने मेरे परम का सर फोड़ दिया तो भी तू इसे माफी दिलवाएगी? परम पुत्र, कोई जरूरत नहीं है इसे माफ करने की। मौमसी, मुझे ऐसे क्यों लगता है कि आप परम करण को हंसते खेलते नहीं बल्कि लड़ते झगड़ते देखना चाहते हो? सरब ना, ऐ तू की कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ मौमसी। सरब तू बिल्कुल गलत कह रहा है, और मौमसी जो कह रही है वो बिल्कुल ठीक कह रही है। अब क्या परम सारी जिंदगी अपना ये नकली दांत देखकर ये नहीं सोचेगा कि बचपन में करण ने उसके साथ कितना गलत किया था? तो फिर दी तुसी दसो की करना चाहिए सानू, इसे सजा दे, मारे पीटे, डांटे? वो तू मुझसे क्यों पूछ रहा है, अपनी मेहर जी से पूछना, क्योंकि इस घर में सबसे ज्यादा समझदार और कौन है? ती बचपन के पल बड़े ही नाजुक होते हैं, गलतियां तो बड़ों से भी होती हैं, ये तो सिर्फ बच्चे हैं। एक चीज मेरा दिल बड़े अच्छे से जानता है कि मेरे तीनों बच्चों की जान बसती है एक दूसरे में,
वो कभी एक दूसरे से दूर रह ही नहीं सकते। ओए मार मैर, रहन दे तू। इट्स ओके करण। मैंने आपको माफ किया। आज शाम को मम्मा पापा की मेहंदी है ना, सो नो फाइटिंग। मानना पड़ेगा तुम्हारी परवरिश को मेहर। रब ऐसे बच्चे सबको दे। मेहर की परवरिश ऐसी है कि बच्चों के बीच में कभी दरार आ ही नहीं सकती। अटारी दी शेरनी, आज वावा से नहीं, आज तो शेर का जवाब शेर से देना पड़ेगा। ठीक है। कह दो इस फूल बिछाते हुए दीवाने को, दुल्हन को जाना है मेहंदी लगाने को। वाह वाह, धड़कने तेज हुई, इश्क का बीपी बढ़ रहा है। मेहंदी आपको लगने वाली है, लेकिन रंग मुझ पे चढ़ रहा है। वाह वाह वाह, आंखें खुली हो या हो बंद, सो रहे हो या जाग रहे हो, पहले आधे जोकर लगते थे, अब पूरे लग रहे। अगर आपका ये सब सिलसिला खत्म हो गया हो तो जरा मेहंदी की रस्म शुरू करें। और सरब मैर और कुड़िये चलो, हाथ धो गई। और किथे मेरा पीफा परम। ओ सॉरी जी सॉरी। ओ बो मैंने आपको पहचाना नहीं जी। दिलीप नेगी, प्राइवेट डिटेक्टिव। जासूस। जासूस सरबजीत जी के एक्सीडेंट केस की छानबीन कर रहा हूँ। एडेज की है? इसमें कुछ लोगों के नाम हैं जिन पे हमें शक है। मेरा नाम इस हराम खोर की लिस्ट में कैसे आ गया? करण, ये पेंडल संभाल के रखना, मेरे दोनों चाचे एक नंबर के चोर हैं। पहले सिर्फ और सिर्फ पैसा चुराते थे, अब पेनड्राइव भी चुराने लग गए हैं। ओ कुड़िये, वो बंदा देख रही है उधर, जिसने काला कोट तिताई पहनी है, उसकी जी स्पेशल मेहमान नवाजी करना। ठीक है, जो आई जी ने बोला है, और सबसे दूर बिठाना। जा जी। सरदार जी, वोटी इधर बैठी है, आपका ध्यान किधर है? ये देखिए मेरी हथेलियां। मेहर जी, हम दोनों के हाथों की लकीरें कितनी मिलती हैं ना? मिलेंगी क्यों नहीं, दिल जो मिले हैं। चलिए अब शू शटाक, मुझे मेहंदी लगाइए। मैं जी? आप।
नमस्ते मेहर जी। नमस्ते मिस्टर नेगी। मेहंदी की मुबारक हो। थैंक यू। कॉन्फिडेंशियल है इसलिए मैं खुद देने आया हूँ। इसमें चार सस्पेक्ट्स के नाम हैं, जो कि मेरी छानबीन और एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने निकाले हैं। इन चारों में से कोई एक ही हमलावर है। मम्मी जी, इस फाइल में आपका नाम होना मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूं मुजरिम आप हैं। और ये राज मैंने बहुत जल्दी सबके सामने खोल देना है।